हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हिमाचल में। आज हम आए हैं श्री गोट फार्म में, जिनके ओनर का नाम है दीपक भाई। मिलते हैं दीपक भाई से और बातचीत करेंगे। आज हम उसको दिखाने वाले और क्या नई जानकारी देने वाले, ताकि हमारे उसको फायदा मिल सके। नमस्कार दीपक भाई। नमस्कार। नमस्कार। आज हमारे उसका दिखाने वाले हो सिरोही, गुजरी, अजमेरी, सोजत और कोटा। सिरोही, गुजरी, अजमेरी, सोजत और कोटा, ये पांच ब्रीड के बकरे हैं। पांच ब्रीड के आपके पास अभी बकरे वाले बोले, वो भी कुर्बानी में तैयार होने वाले बकरे। चलो अच्छी बात है। तो जैसे कि ये माल अभी कितने वजन का माल होगा? 38 से 40 किलो। 38 से 40 केजी का माल है। 40 किलो, 40 किलो पार होगा। 40 किलो प्लस। ओके, तो ये मतलब कि अभी अदंत माल होगा? अदंत माल है। अच्छा, तो ये कुर्बानी पे कितने वजन तक जाएगा? ये जाएगा कम से कम 70 किलो पार जाएगा। 70 किलो पार जाएगा। ओके, तो जैसे कि ये माल अभी 70 किलो पार जाएगा आप बता रहे हो, तो जैसे कि कुर्बानी पे तो अलग ही रेट चलता होगा इसका? हाँ, कुर्बानी का अलग रेट हो जाता है। तो ये माल अभी सेल आउट पे हो चुका है? हो चुका है। अच्छा, वलसाड़ जाएगा। वलसाड़ जाएगा। ओके, तो क्या पट्टी से सेल आउट हुआ है? ये 14,000 की पट्टी से सेल आउट हुआ है। 14,000 की पट्टी का सेल आउट हुआ है। ओके, तो ये माल अच्छा है, बाकी 14,000 पट्टी से ज्यादा की कीमत का है, लेकिन आपके यहाँ पर ऐसे मतलब रीजनेबल रेट रहता है, तो उसका कारण क्या होता है? होलसेल का काम कारोबार है। अच्छा, और कस्टमर को कोई ऐसा कोई पट्टी से दे दिया है तो भाई उसको तो इतना नहीं। अच्छा, और सब वैक्सीन कब सब कंप्लीट होके हो जाएगा? ये पीपीआर लग के जाएगा, पंचिंग हो जाएगा। ओके, तो जैसे कि ये बात बताइए कि कोई नया फार्म स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, अभी वलसाड़ वाले जो सर लेके जा रहे हैं आपके पास से माल, वो यहाँ से आपके पास से कम्प्लीटली वैक्सीनेशन कम्प्लीट करके लेके जा रहे हैं? कम्प्लीट लेके जा रहे हैं। पाँच दिन माल रुकेगा यहाँ पे। तो ये पहली बार इसको फार्म स्टार्ट हो रहा है? हाँ, पहली बार हो रहा है। अच्छा अच्छा, चलो बहुत बड़ी बात है। तो इनको अगर आपने क्या जानकारी दी थी कि उन्होंने बकरे का लेवल इतना बड़ा चुना? वो तो कुर्बानी के लिए लेके जाना था ना। हाँ, तो कुर्बानी के महीने कितने बाकी है उसके हिसाब से लेके जाना पड़ता है ना। तो जैसे हमारे व्यूअर्स को जानकारी दीजिए कि मतलब कि कैसे आप कुर्बानी के 12 महीने में एक बार कुर्बानी आती है। अब कुर्बानी गए 5 महीने तो हो गए। सही बात है। तो 7 महीने बाकी, तो 7 आपको 7-7 महीने का बच्चा लेके जाना पड़ेगा यहाँ से। सही बात है। यानी वो आपको यहाँ से 6-7 महीने का बच्चा लेके जाओगे तभी आपको प्रॉफिट मिल पाएगा। प्रॉफिट दांत करेगा, दांत नहीं करेगा तब तक कुर्बानी में बच्चा कुर्बानी नहीं होगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो जैसे कि ये बात बताइए कि उसमें सारा माल इसलिए दिया है कि सब किसी की चॉइस अलग अलग हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो। नहीं, आपने हैवी नस्ल भी डाल दी इसके अंदर, कोटा भी है, सोजत भी है और उसके अंदर गुजरी भी है, तो इसके बहुत अच्छे नस्ल। ऐसे अधिकतर मेरे को सिरो कम दिख रही है। हाँ, सिरो ही कम है इसमें, ज्यादा हाइब्रिड ज्यादा है। हाँ, मतलब हाइब्रिड ज्यादा है। 3-3-6-6-2-8 बच्चे तो सोजत के। सोजत इनको फ्री करके दे देगा पूरा वाड़ा। अच्छा, पर ये जो मक्का चीना जो कलर है पूरा? हाँ, मक्का चीना ही डाला ना। अच्छा, तो ये भी पूरा अलग है? मक्का चीना ही है। अच्छा, ये मक्का चीना ब्रीडी है? ब्रीडी है। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया बात है। तो इस नस्ल को मतलब कि कोई लेना चाहता है तो उसको क्या रेट के हिसाब से आप देते हो? लेकिन आप अगर मान लो एक सिंगल कोई पर्टिकुलर ब्रीड लेना चाहता है, सिरो लेना चाहे 280 मिल जाएगा। सिरो लेना चाहे 280 में, और सोजत लेना चाहे तो 350 में, और ये जो मक्का चीना जो है नस्ल वो भी 300 रुपए के साथ, कोटा भी 300 रुपए। अच्छा, कोटा भी 300 रुपए, और गुजरी अजमेरी 280। अच्छा, वो सिरो के रेट में जाएगी। तो जैसे कि इसमें नस्ल इतनी अलग अलग डिफरेंट रेट है, तो इससे कोई क्वालिटी को फायदा होता होगा तभी जाके इतना रेट होगा। क्वालिटी खूबसूरती होती है ना, खूबसूरती का पैसा लगता है ना। यानी कि जो सफेद ही है गुजरी में? गुजरी में नहीं है, सोजत में ही है, लेकिन उसका कलर कलरफुल देख लो। अब उसको पहले ही पसंद कर लेगा वो कुर्बानी के टाइम पे। बिल्कुल बिल्कुल, ये सोजत में पूरा बकरा है कमल कलर में। अच्छा, वो देख लो। तो इस टाइप के गुलाबी सोजत है, ये सोजत है देख लो। तो इस टाइप का जो बकरा लेके जाता है कोई एकदम अच्छा खूबसूरत, तो उसको कीमत भी लबल मिलती है? अच्छा, खूबसूरती का पैसा मिलता है अलग। चलो अच्छी बात है। तो इस टाइप का अगर माल लेना है किसी को, अभी तो इस टाइप का माल लेना पड़ेगा क्योंकि कुर्बानी नदी है। हाँ, नदी के तो वो तो 7-8 महीने के बच्चे चाहिए उनको। 7-8 महीने के बच्चे चाहिए होते हैं। ओके ओके, चलो अच्छी बात है। 14 महीने बच्चा दांत करता है? 14 महीने में दांत करता है, तो अच्छी बात की है। तो कोई जानकारी अच्छी बताई तो आपने व्यूअर्स को जानकारी दीजिए कि कोई नया फार्म स्टार्ट करता है उसके लिए और अच्छी कोई जानकारी हो सकती है उसके लिए। और कुर्बानी के लिए लेके जाना चाहता है
तो पीछे के महीने गिन ले। अच्छा, कितने महीने बाकी है और कितने महीने का बच्चा लेके जाना है, यानी वो आपको प्रिपरेशन, अगर छोटा बच्चा, ज़्यादा छोटा बच्चा लेके जाना है तो आप ईद के दूसरे दिन ही ले जाओ, या तो फिर अब जैसे नज़दीक नज़दीक दिन आएंगे आपको दांत का एक कैलकुलेशन मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा, और आपको एक एक्स्ट्रा एक महीना प्लस चलना ही पड़ेगा बकरे में। तो अच्छी बात है, तो कितना ट्रांसपोर्ट करते हो आप लास्ट, ये लास्ट कितना ट्रांसपोर्ट, मतलब कि कम से कम मिनिमम कौन, हमारी रूटिंग लाइन हो तो 10 टन। अच्छा, रूटिंग लाइन हो तो 10 टन, 10 टन। अच्छा, और रूटिंग लाइन ना हो तो कम से कम 20, कम से कम 20, यानी रूटिंग एरिया ना हो तो कम से कम 20, जैसे कि आपके पास से फार्म से यहाँ से अगर कोई लेना चाहे तो उसको कितना नंग देते हो आप? हमारे फार्म पे देख लेके जाए, दो लेके जाए, लेकिन रेट अलग हो जाते हैं। अच्छा, यानी कि उससे सामने वाले की इच्छा अनुसार है कि कितना ले लेके जाना चाहिए। चलो अच्छी बात है, और कोई मान लो डायरेक्ट कुर्बानी पे लेके जाना चाहता है तो उस टाइम पे क्या रेट रहता है? लास्ट शीट में 350 तो खुला था। अच्छा, लास्ट शीट में 350 तो खुला था, यानी गया तो कितना तक था? वो 430-440 तक गया। अच्छा, ये अजमेर का मार्केट, अजमेर मार्केट। चलो अच्छी बात है, यानी कि रेट काफ़ी हाई जाता है तो वो अभी से तैयार नहीं हो पाएगा। चलो अच्छी बात है, तो ये थी कुछ जानकारी श्री गोट फार्म के ऑनर के बारे में, दीपक भाई के बारे में। ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि अब तक नई नई जानकारी हम लाते रहेंगे। जी, ये माल भी बिका हुआ है। अच्छा, कहाँ जाएगा ये? वलसाड जाएगा, वलसाड में जाने, गुजरात वलसाड जाएगा। ओके, 6 दिन में। चलो अच्छी बात है, तो ये थी कुछ जानकारी श्री गोट फार्म के ऑनर के बारे में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।